गए गंगा सागर, सागर ने भर दी गंगा की मांग। एक चुटकी सिंदूर लेकर उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गंगा को विधवा से बना दिया है सुहागन और थाम लिया है उसका हाथ सदा सदा के लिए। सिंदूर है कोई होली का रंग नहीं, इसे एक बार लगाकर ठोकर मिटा दिया। आज प्यार करने वाले दो प्रेमी एक हो गए। माँ से और दादी से ये देखा नहीं गया, दोनों को जुदा करने की बहुत कोशिशें की। अम्मा जी ने तो लकड़ी से वार भी किया, लेकिन प्यार की ये पकड़ एक चुटकी सिंदूर के कारण इतनी मजबूत हो गई है कि अब इनको जुदा करने की कोई लाख कोशिश कर ले ये जुदा नहीं होंगे। सागर ने गंगा को न्याय दिलाया है। बस ही बहुत टाइम से सिंगल था, हर रोज घर में झगड़ा करने की वजह करी दो कंप्लीट करो। और इतना रोज ताने मारती रहती है, इतने टाइम से लिविंग तो कर ही रहते हम लोग, गर्लफ्रेंड भी लिविंग में यहाँ पे है, गंगा भी है, तो आई चोज वन, आई चोज गंगा। सो या गंगा को सागर से मिलना ही था। गंगा का निरंतर हो रहा अपमान सागर से देखा ना गया, इसलिए उसने अपनी माँ और दादी के विरोध के बावजूद उसका हाथ थाम लिया और भर दिया सिंदूर उसकी मांग में। और ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, लेकिन हाँ दादी को बहुत वक्त लगा, बहुत रिहर्सल करना पड़ा, अपने बच्चों को मारने का रिहर्सल। उन्हें डर था कि कहीं सच में उनकी लकड़ी के वार से बच्चों की हड्डियां ना टूट जाए, इसलिए वो डरती थी। लेकिन निर्देशक ने तो आदेश दे ही दिया कि मारो चाहे कुछ भी हो जाए। गंगा और सागर की शादी से सागर की माँ को बहुत बड़ा झटका लगा है, उसने तो अब अपने आप को खत्म करने के लिए चाकू भी उठा लिया है। नहीं छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा? मैं मार लूंगी खुद को। मम्मी क्या कर रही है? मैं मार लूंगी, छोड़ क्या? मम्मी प्लीज यार, मैं मम्मी दीदी। और सागर को गंगा का हाथ छोड़ने के लिए मजबूर किया है, लेकिन अब सागर गंगा को नहीं छोड़ेगा। ABP News Report।